हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगिताज किचन। जैसा कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और पापा के प्रसाद के लिए सभी लोग अपने अपने घरों में मोदक जरूर बनाते हैं, तो इस बार मैं जो मोदक बना रही हूँ वो नया फ्लेवर है। इसे मैंने रसमलाई के फ्लेवर में बनाया हुआ है और ये बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाता है और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए इस नए तरह के मोदक की रेसिपी को जानते हैं और आप इसे अपने घर में इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम रसमलाई फ्लेवर का जो मोदक बना रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया हुआ है। ये एकदम फ्रेश पनीर है। पनीर को अब हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो पनीर को ग्रेट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे, इससे ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो अब हम इसे मिक्सी जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसमें मिक्सी जार का ढक्कन लगा कर अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरह से ब्लेंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके इसका तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने फ्लेम पे एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1/2 टीस्पून हम घी ऐड कर देंगे। हमने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है, इसलिए हमने 1/2 चम्मच घी यूज़ किया है। अगर आप दूसरा कोई सा पैन या बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच घी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने जो ब्लेंड किया हुआ पनीर है इसमें ऐड कर देते हैं और फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे अभी हम। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है। मैंने 250 ग्राम के साथ हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। हम 3 चम्मच ही शुगर पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारे पास मिल्क पाउडर है वो मीठा ही होता है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा चीनी का यूज़ नहीं करना है। और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फ्लेम को लो ही रहने देंगे। अगर हम तेज़ फ्लेम करेंगे तो यह नीचे से जलने लगेगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। बहुत आसान है इस रसमलाई के फ्लेवर वाले मोदक को बनाना। इस गणेश चतुर्थी पे आप इस मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ये सबको बहुत ही पसंद आने वाले, एकदम डिफरेंट टेस्ट है। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेते हैं। बस ये हल्का सा डो फॉर्म में आ जाएगा और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये लगने लगेगा तो हमारा जो मोदक का टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ रसमलाई एसेंस। अगर आपके पास रसमलाई एसेंस नहीं है तो आप इसमें गुलाब एसेंस भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें इलायची भी डाल करके बना सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रसमलाई के मोदक का डो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, डो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी पिस्ता ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर रोज़ पेटल्स ली हैं, इसे भी ऐड कर देते हैं क्योंकि हम रसमलाई फ्लेवर का जो बना रहे हैं तो दिखने में भी उसी तरह से होना चाहिए थोड़ा। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा मसल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा डो थोड़ा सा ड्राई हो गया है क्योंकि उसको थोड़ी सी देर ज़्यादा पका लिया था मैंने, तो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है ये, पर इतना भी नहीं है। आप इसे 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइएगा। तो यहाँ हमारा मोदक का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोदक मोल्ड ले लिया है, उसमें इस तरह से रोज़ पेटल डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसमें पिस्ता डाल देती हूँ और इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा सा डो लेकर के थोड़ा सा प्रेस करते हुए जाऊँगी। थोड़ा सा हम हल्के हाथों से दबा देंगे और इसे इस तरह से मोल्ड को बंद कर देंगे और थोड़ी सी स्टफिंग हम इस तरह से भर देंगे। सॉरी, स्टफिंग नहीं, हम डो इसमें प्रेस करते हुए डाल देते हैं। तो ये देखिए, इतना अच्छा मोदक बन करके हमारा तैयार हो चुका है। मोल्ड से इसे बाहर कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, हमारा रस मलाई वाला मोदक बन करके तैयार हो गया है। देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एकदम जिस तरह से हम रसमलाई खाते हैं सेम इसी तरह से टेस्ट आता है इसका। इसे हम प्लेट पे रख देते हैं और इस तरह से हम दूसरा मोदक भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा दूसरा मोदक भी बन करके तैयार है। रोज़ पेटल डाल देंगे मोदक मोल्ड में और थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे
और इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से हम मोदक मोल्ड में हमारा जो मोदक का डो है इस तरह से हम भर देंगे प्रेस करते हुए, और जो एक्स्ट्रा है उसे अलग कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हम सारे मोदक बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी मोदक को बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान है बनाना। अगर आपको मेरे रसमलाई मोदक फ्लेवर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गणपति बप्पा मोरिया।